नीट यूजी मामले में सोमवार को सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। एसजी ने कहा, यानी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि टेंटेटिव 24 जुलाई के करीब काउंसिल आयोजित कराई जानी है। सीजीआई ने कहा एनटीए सेंटर के हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर करें, नीट परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डालें, छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना हो पाए, परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी दी जाए, ग्रेस मार्क्स और पेपर वितरण के मुद्दे पर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा केंद्र बदलने वाले छात्रों की जानकारी भी मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि टेंटेटिव 24 जुलाई के करीब काउंसिल आयोजित करने वाला है और मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। गोपाल जी, एक बार विस्तार से बता दे क्या कुछ रहा पूरी सुनवाई में। देखिए रोहित, आज मामले की सुनवाई के दौरान जब यह सॉलिसिटर जनरल द्वारा कहा गया कि हजारीबाग के एक सॉल्वर गैंग ने पटना में व्हाट्सएप के जरिए पेपर भेजा था, यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल का जवाब मिल गया कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कहां से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हजारीबाग और पटना का यह मामला आता है और अब देखना होगा कि क्या इन दोनों के आधार पर परीक्षा, पूरे परीक्षा को रद्द किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम फैसला दिया है आज, उसमें साफ कहा है कि शनिवार तक जिलेवार जो है मार्क्स जारी करें और 12:30 बजे तक का समय दिया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगला सुनवाई करेगा, उस दिन कोर्ट उम्मीद है कि कोई ना कोई आदेश देगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से तमाम दलीलें दी गई और कहा गया कि किस तरीके से सल्वर गैंग ने जो है पेपर आउट किया था, टेलीग्राफ के जरिए पेपर प्रसारित किया गया था, हालांकि इसका विरोध किया गया। गोपाल, मैं वापस आऊंगा। इस बीच बच्चे स्टूडेंट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे वो भी हम दर्शकों को सुनवाना चाह रहे थे। यहाँ पर 620 से लेकर के 720 तक भले ही जो भी बच्चा हो, जिसको कि रैंक जिसकी आई हो, उसको भले ही कॉलेज में एडमिशन मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, वो एक बात तो ज़रूर समझ गया कि ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है। क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बढ़िया बन चुका है कि दिल्ली के एयरपोर्ट और पटना बिहार के जो ब्रिज हैं और वहाँ से लेकर के नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम हैं सब के सब तो लीक हो जा रहे हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है हमारा। अभी सिस्टम इतना बढ़िया क्यों है ना, इसका एक बड़ा गजब का जवाब मेरे को पता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल ऑफ मीडिया स्टडीज के डायरेक्टर हैं एन भास्कर राव, उन्होंने ना एक रिपोर्ट तैयार करी कि इस साल जो इलेक्शन हुआ है ना उसमें तकरीबन 1,35,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे हैं और हमारे देश का 2023 का जो एजुकेशन बजट है वो है 1,12,000 करोड़। तो हम एक ऐसे सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं जो इलेक्शन पे ज़्यादा खर्च करता है और एजुकेशन पे कम खर्च करता है, तो ऐसा तो होना स्वाभाविक ही है, इसीलिए ये सिस्टम एक फेलियर है। मेरी सरकार से तो यही मांग है कि जो भी हो एक फेयर जजमेंट मिले हमको, एक फेयर। तो स्टूडेंट्स के मन के भाव क्या हैं वो आप समझिए, बताने की कोशिश कर रहे थे मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण, मेरे साथ लगातार बने हुए। गोपाल जी, आज जो चीज़ें तमाम सामने आई जिस बारे में आप जानकारी भी दे रहे थे, जितना मैं आपकी बातों को समझ पाया, हर एक चीज़ को ऑनलाइन डालने का समय सीमा भी दी गई है और ये भी कहा गया है कि तमाम चीज़ें क्लैरिफाई कीजिए, किसी स्टूडेंट की जानकारी है उसको सार्वजनिक मत कीजिएगा, यानी क्लैरिटी आए कम से कम। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी तरीके के छात्रों की जो पहचान है वो उजागर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिलेवार जो है मार्क्स वो प्रसारित किया जाए, शनिवार 12:30 बजे तक का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बिहार पुलिस और ईयू पुलिस, जो बिहार पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा को केस को सौंप दिया था, उन दोनों की रिपोर्ट हमें चाहिए, उन दोनों की रिपोर्ट का अध्ययन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देखना होगा कि चूंकि हजारीबाग और पटना का इसमें लिंक जुड़ा है और यह सल्वर गैंग जो एक घंटे के अंदर कैसे पेपर को सॉल्व कर दिया, 180 क्वेश्चन होते हैं कैसे सॉल्व किया गया, तो सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कहा गया कि एक सल्वर गैंग हजारीबाग में था जिसने व्हाट्सएप के जरिए पटना में एक दूसरे सल्वर गैंग को भेजा था पेपर और उसके बाद जो है यह पेपर सॉल्व किया गया था। कुछ मिनट पहले
यह पेपर लीक किया गया था, जबकि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक 3 मई को ही पेपर लीक हो गया था। हालांकि एनटीए ने इसका विरोध किया और कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, निष्पक्ष तरीके से पेपर हुआ है, डिजिटल लॉकर के जरिए पेपर सेंटर पर भेजा जाता है। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि डिजिटल लेटर जो हजारीबाग में गया था वो कैसे तोड़ा गया और सील को तोड़ करके और किस तरीके से फेविक्विक के जरिए उसको चिपकाया गया और उसके बाद ई रिक्शा से वहां पर पहुंचा बड़ौदा बैंक से, ये तमाम बातों का जिक्र किया गया। तमाम बातों का जिक्र है गोपाल, लेकिन जो विजुअल्स भी हम अभी चला रहे थे उसमें ये देखिए, दर्शक देख लें, बच्चों ने तख्तियां पकड़ी है, नो रीनीट। अब ये वाली तख्ती देखिए, वी वॉन्ट रीनीट, यानी छात्रों में भी दो धड़े, एक कह रहे हैं कि परीक्षा होनी चाहिए, एक कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि भैया पेपर आप दोबारा तो ले लो, लेकिन पहले यह प्रूफ कर दो कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। इस दिशा में क्या कुछ इनपुट अब तक कोर्ट के सामने आए गोपाल? देखिए, जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो दोबारा पेपर परीक्षा की मांग वालों की संख्या हो बहुत कम है, करीब 100 के आसपास है। जो दोबारा पेपर नहीं चाहते हैं, जिन्होंने याचिका दायर की है, उसमें सबसे ज्यादा लोग इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो लास्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए 48 घंटे के लिए विंडो खोला गया था उसमें कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो कहा गया कि करीब 15,000 के आसपास बच्चों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया था, 44 बच्चे उसमें से जो है पास हुए हैं। तो ये तमाम दलीलें दी गई थी। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह साबित करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट में कि पेपर में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए यह पेपर लीक हुआ है, इसलिए रद्द होना चाहिए, दोबारा पेपर होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट बिहार पुलिस और बिहार के आर्थिक अपराध शाखा की रिपोर्ट को देखेगा। एजेंसीज को भी कॉल ऑन किया गया। थैंक यू सो मच गोपाल जी, नजर आप बनाए रखेगा, बहुत धन्यवाद।